सो गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बड़े हो गए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो में आपके लिए कंसेंट्रिक्स की वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट लेके आया हूँ। इससे पहले जब मैंने कंसेंट्रिक्स की वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए आपके साथ शेयर की थी तो उसमें काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर थैंक यू मैसेज भी मुझे भेजे थे। सो इस बार भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 10 में से 8 बच्चों का सिलेक्शन कन्फर्म होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ क्या इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड कैसे आपका CV शॉर्टलिस्ट होगा, कैसे आप सारे स्टेप बाय स्टेप क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इस जॉब के लिए एंड क्या फ्री कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे इस कोर्स को, इस जॉब को लेने के लिए। सो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो। फुल प्रोसेस इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो जॉब आपको मिलनी 100% तय है, बस आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखना है एंड जो भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सो इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो एंड वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड समझते हैं पूरी प्रोसेस। सो गाइस आई होप आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा। वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, सारा इंटरव्यू प्रोसेस भी बताऊंगा एंड कोर्सेज आपको कौन से कोर्सेज आपको इसमें कंप्लीट करने हैं एंड कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपकी CV शॉर्टलिस्ट होगी, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। कोई भी पार्ट मिस मत करना। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कॉन्टेंट मॉडरेटर का यहाँ पर जॉब रोल निकला है। फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं जिस चीज की मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे 100% यहाँ पर रिमोट जॉब्स यहाँ पे होने वाली है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो राइट। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रिमोट जॉब होने वाली है एंड जो हायरिंग ऑफिस यहाँ पे जो लोकेटेड है वो हैदराबाद का होने वाला है। तो यहाँ पे देखो हायरिंग ऑफिस यहाँ पे हैदराबाद का है लेकिन ये आप इसको पैन इंडिया यहाँ पे हायरिंग हो रही है तो आप किसी भी स्टेट से किसी भी प्लेस से हो इंडिया में इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो ओपनिंग यहाँ पे 1 ही दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे बल्क हायरिंग यहाँ पे हो रही है। मेरे यहाँ पे इंटरनली यहाँ पे मेरा HR से बात हुआ है तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनल यहाँ पे हायरिंग यहाँ पे हो रही है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज हो यहाँ पे होनी चाहिए और OPS राउंड मतलब होता है ऑपरेशन राउंड, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, सच एज डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट कॉन्टेंट रिव्यू सेंसिटिव कॉन्टेंट एंड ओके टू वर्क विद सेंसिटिव कॉन्टेंट, ठीक है। तो अभी आप YouTube पे जो वीडियो देख रहे हो ये भी एक तरह का कॉन्टेंट ही है, ठीक है। तो आपको सेंसिटिव कॉन्टेंट पे आपको यहाँ पे काम करना है राइट। कनेक्टिविटी पावर एंड नेटवर्क अवेलेबिलिटी इज मैंडेटरी बिकॉज इट इज कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा तो आपके पास आपके घर में वाईफाई एंड आपके पास लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इस जॉब रोल के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या आपको करना है, ठीक है, चेक द इमेजेस एंड मैच विथ द वेबसाइट, यानी इमेजेस को आपको चेक करना है एंड वेबसाइट के साथ मैच करना है, कंटेंट को वेरीफाई करना है वेबसाइट के थ्रू एंड सेंसिटिव कंटेंट को आपको अंडरस्टैंड करना है एंड व्यू द कंटेंट, चेक द ब्रांड नेम वेबसाइट एंड चेक इफ नॉन फैमिली सेफ कंटेंट रेट द कंटेंट एटसेट्रा, ठीक है। सो सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे होने। सो डिजिटल मार्केटिंग की अगर आपका सर्टिफिकेशन नहीं है तो वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो सर्टिफिकेशन, उसके बारे में भी आपको मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखना, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंथी हो सकता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट हो आप फ्रेशर हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। सो अभी बात करते हैं कि आपको अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है तो आप वो नॉलेज कैसे गेन कर सकते हो राइट। सो गाइस ये जो जॉब है कंटेंट मॉडरेटर का यहाँ पे जो जॉब रोल निकला है उसके लिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग का फ्री कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो गूगल के यहाँ पे। देखो गूगल डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, आपको एक भी रुपये आपको यहाँ पे खर्च नहीं करना है। सो आपको यहाँ पे एनरोल कैसे करना है, अब यहाँ पे एनरोल फॉर फ्री यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे अपना साइनअप अब यहाँ पे आप यहाँ से कर सकते हो एंड यहाँ पे देखो लिखा है ज्वाइनिंग फॉर फ्री, ठीक है। एंड यहाँ पे गूगल के थ्रू भी आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, तो गूगल के थ्रू आप फ्री डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो एंड ये सर्टिफिकेशन आराम से आपको एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपको सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा एंड उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे इस कंसेंट्रिक्स की जॉब रोल में आप दिखा सकते हो, आपको CV शॉर्टलिस्ट 100% होगी राइट। तो ये बात करते हैं, तो ये तो एक फ्री कोर्स होता था। अगर आपने फ्री कोर्स अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आप गूगल का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ अपना स्किल बढ़ाना है, अगर आपको कुछ अपना बढ़ाना है तो आप यहाँ से इन थोड़ा सा पेड कोर्स यहाँ पे आप कर सकते हो। ये कोर्स आई थिंक 500 से 1000 रुपीज़ का है लेकिन ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस कोर्स मैंने खुद पर्सनली किया है एंड इस कोर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे मुझे मिले हैं। learnbazaar.in यहाँ पे देखो, learnbazaar का यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट है,
ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप यहाँ पे देख लेना, सारे के सारे लिंक्स इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, देख सकते हो कि हाउ टू अर्न 10,000 रुपीज डेली, 10,000 रुपये आप डेली कैसे कमा सकते हो, सारी चीज़ें इसी कोर्स में आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नो मोर पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो एनरोल कैसे करना है, 999 का कोर्स यहाँ पे कुछ अभी कभी कभी यहाँ पे ऑफर्स चला करते हैं, तो एक कोर्स 500 का भी मिल जाता है, अभी 999 का है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हो। तो ये पेड कोर्स है, अगर आपको पेड कोर्स करना है तो आप ये लर्न बाजार का कर सकते हो, एंड अगर आपको फ्री कोर्स करना है तो आप यहाँ से फ्री कोर्स गूगल का कर सकते हो आपको। सो अभी बात करते हैं कि जो मैंने कंटेंट मॉडरेटर की जॉब रोल बताया, तो यहाँ पे ये जॉब रोल यहाँ पे 7 डे से पहले यहाँ पे पोस्ट हुआ है, तो जल्द से जल्द इस वीडियो में इसको अप्लाई करो जल्द से जल्द, क्योंकि ये जॉब रोल कभी भी एक्सपायर हो सकता है। सो मैं आपके लिए और भी जॉब रोल्स लेके आया हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंसेंट्रिक्स का यहाँ पे BPO यहाँ पे हायरिंग कर रहा है, BPO KPO एंड यहाँ पे वॉइस का रोल यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे नॉन वॉइस नहीं होगा, वॉइस का रोल यहाँ पे होने वाला है, 5 LP आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो हायरिंग फॉर कंसेंट्रिक्स जो यहाँ पे HR का नंबर दिया है, HR साक्षी यहाँ पे नंबर दिया है, तो आप डायरेक्ट से कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, 0 to 5 year के एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो, 3 to 5 LP आप यहाँ पे पैकेज रहेगा, एंड यहाँ पे देखो नोएडा UP इन लोकेशन से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो कस्टमर की क्वेरीज को आपको सॉल्व करना है, 5 डे यहाँ पे वर्किंग रहेगा, नाइट मतलब यहाँ पे नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट यहाँ पे रहेगा, ब्लेंडेड प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, राइट। सो रिक्वायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल एक्सीलेंट, आपको इंग्लिश का नॉलेज आपके यहाँ पे होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस एंड एबल टू सॉल्व क्वेरीज ऑफ कस्टमर, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना, अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर कैन अप्लाई, 12th पास हो तब भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स क्या, आप यहाँ पे HR को अपना CV अपना रिज्यूमे आप यहाँ से शेयर कर सकते हो, राइट। सो ये तो जॉब रोल यहाँ पर रहा, ये जॉब रोल यहाँ पे देखो आप देख सकते हो नोएडा उत्तर प्रदेश न्यू दिल्ली यहाँ पे यानी इस साइड यहाँ पे जॉब रोल निकला, लेकिन ये जो जॉब रोल मैं आपको सारी लिंक्स मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे जो ये जो जॉब रोल निकला कंसेंट्रिक्स BPO KPO वॉइस अप टू 5 LPA, सो ये भी जॉब रोल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो लोकेशन डिफरेंट है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, बेंगलोर, कर्नाटक, ठीक है। तो इससे पहले जो जॉब रोल है, ये जॉब रोल है आपका नोएडा लोकेशन का, एंड ये जॉब रोल है आपका कोलकाता लोकेशन का, सेम यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, ये भी वर्क फ्रॉम होम है, 12th पास आप अप्लाई कर सकते हो। सो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आप कंसेंट्रिक्स इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, कुछ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर नॉलेज अबाउट आवर कंपनी, यानी आपको कंसेंट्रिक्स के बारे में कितना पता है, ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वॉट इज योर प्राउडेस्ट प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट, यानी अभी तक का आपको क्या ऐसा प्राउडेस्ट चीज़ आपने अचीव किया है, तो उसके बारे में आप ऐसे आप आंसर कर सकते हो, एंड सारी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। एंडिंग में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट कंसेंट्रिक्स इंटरव्यू, यानी कंसेंट्रिक्स इंटरव्यू के बारे में आपको कैसा लगा, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देना है, एंड आप इसे ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि हाउ यू डील विद अनजस्टिफाइड क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रॉम अ सुपीरियर, यानी आपके सुपीरियर से आपका अगर कुछ क्रिटिसिज्म होता है, वो आपको क्रिटिसाइज़ करता है, तो आपको कैसे आप हैंडल करोगे, तो आपको उसको ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हो इंटरव्यू में। एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी अदर पोजीशंस यू हैव अप्लाइड फॉर इन कंसेंट्रिक्स, यानी कंसेंट्रिक्स में आप बहुत सारी रोल्स में आप अप्लाई कर रहे हो, तो उनको भी पता है, तो आप इसको इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, राइट। सो गाइस ये सारे क्वेश्चंस का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ योर कोवर्कर वाज स्टीलिंग सप्लाइज एंड इक्विपमेंट, यानी अगर आपका कोवर्कर कुछ चीज़ें चुरा रहा है, तो उस चीज़ में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ से इसको नोटिस कर सकते हो कि इफ़ आई नोटिस अ कोवर्कर, यानी समथिंग लाइक डैट, आप यहाँ से ऐसा आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो जिससे आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू में पक्का। एंड 7th क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये आ सकता है कि व्हाट डिड यू डू व्हेन यू डिडंट गेट अलोंग विथ योर बॉस, ठीक है। तो आप सारी सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट।
एट्थ वाला इंटरव्यू क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे व्हाट वुड यू डू इफ अ कोवर्कर स्टोल योर आइडिया एंड गॉट प्रमोटेड। अगर आपका कोवर्कर आपका आइडिया चुरा लेता है एंड प्रमोशन हो जाता है उसका, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप उसको ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी आ सकते हैं कि डिड यू फाइंड योर प्रीवियस जॉब स्ट्रेस टू मच फॉर यू, यानी आपने जो पहले आप जॉब रोल जो कर रहे थे उसमें आपको क्या ज़्यादा स्ट्रेस मिला, तो आप उसको इस तरह से आंसर कर सकते हो। हैव यू एवर हैड टू गिव सम वन निगेटिव फीडबैक, क्या आपने कभी किसी को निगेटिव फीडबैक दिया है या आपको कभी निगेटिव फीडबैक मिला है, तो उस केस में आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हो। एंड वॉट वुड यू डू इफ अ कस्टमर इंसल्टेड यू वर्बली इन फ्रंट ऑफ योर को वर्कर्स, अगर आपको अगर कोई भी कस्टमर आपको इंसल्ट करता है आपके को वर्कर्स के सामने, तो उस सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे, राइट? सो गाइस, ये भी सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसका आप प्रिपरेशन कर सकते हो इस पेज का स्क्रीन शॉट लेके। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि कंसेंट्रिक्स के इस जॉब रोल या किसी भी जॉब रोल में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कि ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में कंसेंट्रिक्स में कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर कंसेंट्रिक्स के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप इन सब का स्क्रीन शॉट लेके यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो कि आप यहाँ से रिफ़र कर सकते हो, एंड इन सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस का आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रिपरेशन कैसे करना है उसको मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, आप इन क्वेश्चंस को इस वीडियो से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, एंड अगर आप चाहते हो कि आपको एक फ्री पीडीएफ मिल जाए जिनको जिस पीडीएफ में आपको ऑलरेडी आपको सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको इंटरव्यू के मिल जाए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यूट्यूब पे आना है। मेरे चैनल पर आपको एक प्ले लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, अमेजोन असेसमेंट प्लेलिस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? तो इस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो आपको मिलेगा जिस वीडियो में मैंने आपको आपके साथ कुछ जैसे आप ये देख सकते हो कि ये हाउ टू क्रैक एनी इंटरव्यू 16 नंबर का जो वीडियो हाउ टू क्रैक एनी इंटरव्यू बेस्ट इंटरव्यू आंसर्स 2020 इंटरव्यू हैक्स, ठीक है? तो इस इंटरव्यू में इस वीडियो में मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर की है, फ्री इंटरव्यू पीडीएफ जिस पीडीएफ को आप यूज़ कर सकते हो एंड वहां से अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूं, तो अगर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर मैं जाता हूं, ठीक है? सो आपको यहाँ से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे एक फ्री पीडीएफ का आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल ड्राइव का आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, एंड इस लिंक में आप देख सकते हो कि इस पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें देखो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ये दिए जिन क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हो, एंड ये क्वेश्चन जो है केवल एक कंपनी के लिए नहीं, ये क्वेश्चन काफ़ी सारी कंपनीज में आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन भी हैं आंसर भी हैं, तो सारी आपकी 100% हेल्प होगी। सो आप जाके फ्री पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, राइट? सो गाइज, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसमें और अपडेट्स के लिए, एंड सारे का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।